guys, welcome to my channel. So in today's video I will be reviewing this L'Oreal Paris Extraordinary Hair Serum. So if you guys are interested to know that what I think about this particular product, then please keep on watching. Well guys, mere paas jo hai, it's a 100ml bottle. You get two different sizes, ek hai 30ml, dusra hai 100ml. So the 100ml retails for $5.99 and the 30ml retails for $2.99. obviously you'll get discount. Even I got it like ek discount ke price pe mujhe ye mila. तो आप कहीं से भी खरीदो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको डिस्काउंटेड एक प्राइस में मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग. जो 30ml का बॉटल आता है वो आपको प्लास्टिक के बॉटल में मिलता है, छोटा सा, बट द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक इज़ प्रिटी गुड. और वो ना ऐसे ड्रॉप टाइप का जो रहता है वैसे टाइप का रहता है, वेरस जो 100ml का बॉटल है इट कम्स इन अ पम्प सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इसका क्वालिटी बहुत बहुत ही सही है, बहुत स्टेडी है. एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्लास इज ऑल्सो प्रिटी गुड. इट लुक्स सो नाइस एंड एक्सपेंसिव. आई नो इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू सीरम और हेयर ऑयल या सीरम, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं विच इज अ लॉट चीपर. बट कमिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ आई लाइक इट, मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाली हूँ. आई थिंक सो इट्स प्रिटी गुड. मतलब 599 के लिए ये काफ़ी अच्छा ही है. और आपको यहाँ पे ऑब्वियसली 100ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है विद अ पंप एंड स्टफ. एक कैप भी आता है, वो मैं घुमा दी, सो लेट इट बी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लेम्स. सो मैं नायका से ही पढ़ के आपको बता रही हूँ. सो इट वॉट इट क्लेम्स इज इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम हीट, रिमूव्स फ्रिजीनेस, डिटैंगल्स, स्मूदन्स, हेल्प्स स्टाइल और नरिशेस. तो अभी ये हीट से प्रोटेक्ट करता है कि नहीं वो तो मैं बता नहीं पाऊंगी. रिमूव्स फ्रिजीनेस, नाउ दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. ट्रस्ट मी इट इज़ अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग फ्रिजीनेस, क्योंकि ये जो आप मेरे हेयर अभी देख रहे हो ना, इट्स स्टिल क्वाइट फ्रिजी, राइट. मैं कल ही अपना हेयर वॉश की थी एंड आई यूज हेड एंड शोल्डर. आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर यूज़ करने के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कभी यूज़ किया भी होगा तो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू यूज़ अ कंडीशनर. मैं कल कंडीशन भी नहीं की because I knew that I'll be shooting this video, so I really wanted to see कि ये कितना अच्छा काम करता है. एंड ट्रस्ट मी माई हेयर फील्स सो सो गुड. बहुत लाइक 10/10 वैसा वाला फीलिंग नहीं आ रहा, क्योंकि एक सीरम क्या ही कर लेगा. मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ करने के बाद मैं कंडीशन नहीं की एंड आई के डायरेक्टली यूज दिस सीरम एंड ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे रिजल्ट मिला. इट डेफिनेटली वर्क फॉर मी एंड माई हेयर फॉल्स अंडर दैट फ्रिजी टाइप. बहुत जन का हेयर होता है ना बहुत ही स्मूद एंड स्टफ होता है, नेचुरली मेरा वैसा नहीं है. मेरा नेचुरली बहुत ही फ्रिजी है, थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो मतलब मेरा हेयर इट काइंड ऑफ गेन्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. तो सो आई वुड टोटली अग्री ऑन लाइक दिस रिमूविंग फ्रिजीनेस वाला पार्ट बिकॉज इट डेफिनेटली डिड वर्क फॉर मी. नाउ द सेकेंड थिंग इज डिटैंगल्स. या इट डज हेल्प यू टू डिटैंगल, लेकिन लेट्स से फ्रिजीनेस में मैं अगर 100 में मैं उसको बोलूँगी इट वर्कड अराउंड 99%. सो फॉर डिटैंगलिंग इट वर्कड अराउंड 70% आई विल से. मैं 100% इसमें उतना अग्री नहीं करूँगी, करता है हेल्प बट जस्ट उतना नहीं, ठीक है, अराउंड 75%, ठीक है. स्मूदन्स, या इट डज स्मूदन्स योर हेयर, बिकॉज मुझे तो फील होता है कि ये काफ़ी स्मूथ करता है बालों को. तो या आई वुड अग्री टू दैट एज वेल. नाउ नरिशेस उतना समझ में नहीं आया. काइंड ऑफ हेल्प स्टाइल, तो मैं कभी उतना स्टाइल नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस हेयर स्ट्रेटन ही की और मुझे उतना समझ में नहीं आया. सो यहाँ पे वो लोग 6 चीज़ बताए, उसमें से द ओनली 3 थिंग दैट आई, 4 थिंग आई अग्री टू इज रिमूव्स फ्रिजीनेस, डिटैंगल्स, स्मूदन्स एंड नरिशेस. हेल्प स्टाइल और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं स्टाइलिंग की नहीं और हीट से प्रोटेक्ट करता है कि नहीं मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आता है. सो दिस आर द 2 थिंग्स. अच्छा अभी हम लोग पढ़ते हैं कि बॉटल के पीछे क्या क्या लिखा है. इट्स रिटन इट्स फॉर ऑल हेयर टाइप. वेल आई डोंट थिंक सो कि सीरम में वैसा हेयर टाइप डिपेंड करता है कि नहीं, जनरली सीरम ऑल हेयर टाइप का ही होता है. इफ़ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी. दूसरा है वर्सटाइल यूज़. तो यहाँ पे वर्सटाइल यूज़ में यहाँ पे ना देर आर अराउंड 5 थिंग्स रिटन, सो आई गो थ्रू दैट. पहले तो लिखा है कि हाउ वी कैन यूज़ इट, स्प्रेड 2-3 ड्रॉप्स इवनली ऑन द पाम ऑफ योर हैंड बिफोर अप्लाइंग ऑयल फ्रॉम द मिडल टू द टिप ऑफ योर हेयर. 2-3 ड्रॉप्स लेने के लिए बोला ऑन द पाम ऑफ आर हैंड एंड जस्ट स्प्रेड इट फ्रॉम द मिडल टू द टिप ऑफ आर हेयर. तो ये हम सबको पता है कि सीरम कैसे लगाना होता है, तो दैट इज़ नो रॉकेट साइंस. यहाँ पे जो 5 डिफरेंट तरीका दिया हुआ है हाउ वी कैन यूज़ इट, द फर्स्ट इज़ बिफोर शैम्पू. आई नेवर ट्राइड इट यूजिंग बिफोर शैम्पू क्योंकि मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि पता नहीं मुझे जिसको लॉजिक समझ में नहीं आता. बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई यूजिंग इट बिफोर शैम्पू, बिफोर ड्राइंग
ऑब्वियसली आफ्टर शैम्पू बिफोर ड्राइंग ये मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ. बिफोर स्टाइलिंग नेवर यूज इट, सो आई डोंट नो. एज अ फिनिशिंग टच ओके, आई डोंट नो. एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट, सो आई डोंट नो हाउ वेल इट विल वर्क एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट, बट एज अ सिरम, जैसे हम लोग ट्रेडिशनली सिरम यूज़ करते हैं, इट डेफिनेटली वर्क्स वैसे मेरे लिए. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वान्टिटी और कितने दिन तक ये चलेगा. द थिंग इज़ ये ना काफ़ी थिक है, ये सिरम का जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स वेरी वेरी थिक. अभी आप देखो कि ये मेरा कहाँ तक यूज़ हुआ है, यहाँ तक, राइट, दिस मच. और मैं ये अराउंड खरीदी 2 months पहले, सो एवरी वीक मैं अराउंड ट्वाइस अपना हेयर, मैक्सिमम अगर मैं ट्वाइस भी अपना हेयर में वॉश करती हूँ, सो इट्स 8 times a month, तो 8 + 8 = 16, तो उसमें अराउंड 16 times इसको यूज़ की, लाइक 2 months में अराउंड 16 या मैक्सिमम 17-18 times पकड़ के चलते हैं. सो इतना सा मेरा प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, सो इट विल गो फॉर अराउंड अ रियली गुड, मतलब अराउंड 2-3 months अराउंड ये आराम से चल जाएगा. सो पेइंग 599 अगर आप फुल प्राइस भी पे कर रहे हो, सो आई थिंक सो इट्स प्रिटी वर्थ इट, लुकिंग एट इट्स क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड कितना आपको ज़रूरत पड़ रहा है एंड द रिजल्ट दैट इट इज़ गिविंग. सो आई डेफिनेटली लव इट. और इसका जो स्मेल है, जिसके बारे में मैं बोलना भूल गई बिल्कुल भी, द स्मेल इज़ प्रिटी प्रिटी गुड गाइज. मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसका स्मेल मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो इसका स्मेल ना मैं आपको एग्जैक्टली समझा नहीं पाऊंगी कि कैसा है, बट इट स्मेल्स रियली नाइस. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत फ्लोरल भी नहीं, क्योंकि बहुत जन होते हैं ना जिनको स्मेल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लोरल या स्वीट स्मेल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है. ये कोई भी जेंडर के लोग, लाइक बीट मेल फीमेल को भी यूज़ कर सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन द मतलब जेंडर भी उन्होंने बहुत लाइक स्मेल जो है इसका वैसे ही रखा है, यू नो बोथ द जेंडर विल लाइक इट, ऐसा ही कुछ. एक बहुत ही माइल्ड सा, एक सॉफ्ट सा, एक सटल स्मेल है. द स्मेल इज़ रियली नाइस. सो या आई डेफिनेटली बाय इट अगेन वंस आई रन आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा. And you should definitely give it a try. Still, if you think $599 is a lot of price to pay, you can just start by buying the 30 ml one. And I'm so sure that you'll fall in love with that. कि आप second time जाके आप full size या purchase करोगे. That is what I did. मुझे लगा था कि जो Livon या Streak का जो भी मैं use करती थी पहले, मुझे लगा कि same ही होगा, serum में क्या difference उतना होता है. But then I went ahead and got the 30 ml one, fell in love with it and then got the full size one. So yeah, that is it. I hope I covered almost everything on this video. अगर कुछ भी छूट गया या कोई भी और questions है, then you can definitely ask me in the comment section. So yeah, that is it. Now I'll see you next time on my next video. Until then, take care. Bye bye.